हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 20 वीडियो का सीरीज चलेगा, जिसमें एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होंगे और 600 का सीरीज चलने वाला है। ये लगभग लगभग 30 वीडियो आपको आएगी। NCL, HE एवं ऑपरेटर, माइनिंग सरदार, ड्रिल ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जनरल साइंस का सीरीज का क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। पहला क्वेश्चन है, जस्ते का अयस्क कौन सा है? जो जस्ता है उसका अयस्क कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक लेड। जो जिंक होता है उसका जो परमाणु संकेतक होता है वो 30 होता है, और ZN से इसे डिनोट करते हैं जिंक को। दो नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? जो एल्मुना होता है, एल्मुना होता है उसमें कौन सा जो एनोड होता है उसका अपघटन कैसे होता है? एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है एल्मुना के विद्युत अपघटन में। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन गैस के द्वारा। और जो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है वो होता है 8, और इसे ओ से डिनोट करते हैं, परमाणु संकेतक 8 होता है। तीन नंबर क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? जो इस्पात होता है उसमें कितना प्रतिशत आपको कार्बन होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2%। इस्पात में जो लोहे में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2% कार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपकी वीडियो आपके मोबाइल तक मिल सके। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक टेम्परेचर देने पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है? उत्तर है सोना। कौन सी है? सोना। पांच नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। जो कैल्शियम है ये धातु को जल में डालने पर वो क्या होता है? तैरने लगता है। छः नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पहले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर है तन्यता। जो तन्यता होता है उसको इंग्लिश में टेंसाइल भी बोलते हैं। एक हमारे पास कोई भी रॉड है, उस रॉड को हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उसमें टेंजेंशियल फोर्स रिएक्ट होगा, और इसकी जो एरिया होगी तार की वो इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं तन्यता, टेंसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से बताना, जो अधातु है इसमें से कौन सी चमकीला है? जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है, उसे चमकीला है। 18 नंबर क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि उष्मा का सुचालक होता है? ऑप्शन नंबर ए, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वो उष्मा का सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? आपको बताना है कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम। जो पोटेशियम है जल के साथ अभिक्रिया करती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है? वह ऑप्शन नंबर बी है, उच्च होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जो मैग्नीशियम होता है उसे उत्पादन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर क्षारीय। जो सी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्षारीय। अम्ल, अक्षारीय, उदासीन। एक हमारे पास pH वैल्यू का स्केल होता है, एग्जाम्पल के लिए हमारे pH जो वैल्यू होती है उसका स्केल होता है। अगर हमारे पास 1 से लेकर 14 तक टोटल स्केल वैल्यू pH वैल्यू होता है, जिसमें से 7 हमारा जो है वो उदासीन होता है। अगर 1 से लेकर हमारे तक 6 तक जो है वो होगा अम्ली होगा, क्या होगा? अम्ली होगा। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में है तो वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो उदासीन होगा। जो pH वैल्यू होता है वाटर का वो 7 होता है, मतलब 7 हमारा जो है वो
वाटर की वैल्यू उदासीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकिल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकिल में किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम जो है Na से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु संकेतक 11 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। जो सोडियम है उसे मिट्टी के तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाले सोना कौन से होते हैं? आभूषण बनाने वाले सोना जो होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट के। आभूषण बनाने वाले जो सोना होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? 22 कैरेट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के हैं, जो सिल्वर तथा कॉपर हैं उष्मा के क्या हैं? आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक हैं। क्या सबसे अच्छे चालक हैं? 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है इसमें कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं, वो एक द्रव धातु अवस्था में पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आपको मैं ऊपर भी बताया था कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिट्टी तेल में भी डुबा कर रखे जाता है। उत्तर है सोडियम, जिसको Na से डिनोट करते हैं, उसका संकेतक जो परमाणु है वो 11 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? इनमें से कौन सी अधातु है जिसमें पानी में डुबा कर रखी जाती है? उत्तर है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है ये एटमॉस्फेरिक की ही टेम्परेचर से जलना लगता है, इसीलिए इसके पानी में भी डुबा कर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? उत्तर है कॉपर। कॉपर जो है तार के भी उपलब्ध में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में स्वतंत्र रूप में अवस्था में पाए जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? उत्तर है Ag। कौन सी धातु है? Ag धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु है? आपको बताना है कि इसमें से अधातु कौन सी है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है यह अधातु है, बाकी कोबाल्ट, लोहा और सोना जो है वो धातु हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट पार्ट वन देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।